जैसे यहाँ पे एक 5 बंदे शिविर में उतरे हैं, और जबकि आप बार बार केजरीवाल सरकार बोल रहे हैं कि दिल्ली में मशीनें बहुत लगा दी गई हैं सफाई के लिए, तो आपको क्या लगता है कि अभी मशीनों का कुछ सिक्कल सीन बना नहीं, क्योंकि अभी भी कर्मचारी उतर रहे हैं नालों में या शिविर में? साक्षात को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? यदि आज हम यहाँ पे खड़े हैं और कर्मचारी की मौत हुई है और इस प्रकार से बिना किट के कर्मचारियों को आज भी सीवर में अमानवीय अवस्था में उतरना पड़ रहा है, तो दिल्ली सरकार जवाब दे, केजरीवाल जी जवाब दें कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी को शौक तो नहीं है ना, बिना अपनी ड्रेस के बिना किट के वो उसका मन कर रहा है कि वो सीवर में कूद जाए और अपनी जान गंवा दे, बिना सेफ्टी किट के वो ऐसे कैसे कर सकता है। आज दिल्ली सरकार जितनी भी बातें कर रही है, जितने भी काम कर रहे हैं, वो केवल कागजों में है, अखबारों के पन्नों पे है, एडवर्टीजमेंट में है, FM के चैनल पे चल रही है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। वास्तु स्थिति यही है जो हम देख रहे हैं, जो यहाँ पे हो रहा है कि कर्मचारी अपनी जान गंवा रहे हैं, उनको ऐसी अनह्यूमन कंडीशंस में सीवर में बिना सेफ्टी किट के उतरना पड़ रहा है। अभी भी स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पहुँचे नहीं है, तो आपको क्या लगता है? ये विडंबना है कि ये क्षेत्र स्वास्थ्य मंत्री का स्वयं का है, ये हॉस्पिटल उनके क्षेत्र में है, और खबर मिलने के बाद भी आज यदि यहाँ पे कोई और जाति का व्यक्ति होता वो तुरंत पहुँच जाते। आज उनको लगता कि उनको वोट में कहीं फ़ायदा होने वाला है तो तुरंत पहुँच जाते, परंतु अभी उनकी मौत होने के बाद भी उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता कि आज किसी सफाई कर्मचारी की मौत हो गई है, उनके लिए कोई सीरियसनेस नहीं है। वो शायद अभी भी कहीं अखबार पे पन्ने पे छपने के लिए तैयार बैठे होंगे। इन्होंने विज्ञापन तो बहुत सारे किए, हाँ जी संजीव जी, जैसे विज्ञापन तो बहुत सारे कर रहे हैं केंद्र दिल्ली सरकार, कि हम इतना कुछ कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि सब कुछ कागजों में हो रहा है इस हिसाब से? तो निश्चित तौर से आप देख ही रहे हैं, सब कुछ विज्ञापनों पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे इन कर्मचारियों को, करोड़ों रुपए की जो ड्रेस देते हैं वो किट देते, तो ऐसी दुर्घटना का शिकार नहीं होते। और एक युवा की जान उसमें गई है, 35 साल का वो युवा था, तो बड़ा अफसोसजनक है। और उनके विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री जो है उनको इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री खुद जल बोर्ड के चेयरमैन है, वो कहते हैं कि हम आम लोगों के लिए बात करते हैं, इस तरह की चिंता करते हैं तो मुझे लगता है कि सरकार को इस्तीफा इसमें देना चाहिए। आपको क्या लगता है इस बारे में, आप बताइए, जो आज अमानवीय तरीके से एक व्यक्ति इसमें मर जाता है और 4-5 अभी जिनकी मौत से जूझ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि जो आदमी एक्सपायर हुआ है वो कर्मचारी खुद मेरे गांव का है, और मैं उसी वार्ड से निगम पार्षद हूँ, अंशुअमन कुमार। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि केजरीवाल सरकार जो हर रोज़ बड़े बड़े ऐलान कर रही है कि हमने सेप्टिक टैंक साफ़ करने के लिए नई मशीनें ग्राउंड पर उतारी हैं, हमने PWD के नाले साफ़ करने के लिए मशीनें ज़मीन पर उतारी हैं, लेकिन ये सब झूठे हैं। किसी तरह से कोई सेफ्टी के पर्पस से इन्होंने कोई किसी भी मशीन को अभी उद्घाटन, सिर्फ नाम नाम के लिए उद्घाटन करते हैं, लेकिन कोई भी काम इन्होंने नहीं किया है। और बिना सेफ्टी किट के इन्होंने कर्मचारियों को ऐसे PWD के नाले में उतार देते हैं, जिससे हर 3rd दिन कोई ना कोई न्यूज़ मिलती है कि किसी ना किसी कर्मचारी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है।